फ्री फायर के यार वो भी क्या दिन थे ना, जब हम चार दोस्त मिलकर रैंक गेम खेलते थे। गन स्किन, कैरेक्टर, ड्रेस, इन सब से तो हमें कुछ मतलब भी नहीं था। हमें तो मैच स्टार्ट करने के बाद सिर्फ फैक्ट्री पे उतरना होता था, और अगर कभी फैक्ट्री पे लास्ट जोन बन जाया करता था या फिर फैक्ट्री पे एयर ड्रॉप गिर जाया करता था तो हम लोग इतना ज्यादा खुश होते थे। इतना अभी अगर हमें कोई 1,00,000 डायमंड दे तब भी नहीं होंगे। उस टाइम पे कोई भी किसी को नूब नहीं बोलता था, कोई भी किसी को मारने के बाद इमोट नहीं दिखाता था, सब लोग गेम बस मजे के लिए खेलते थे। काश हमारा 2017 वाला फ्री फायर वापस आ जाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्री फायर ओल्ड मेमोरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर के कुछ ऐसे मेमोरीज जिसको सुनने के बाद आप लोग भी एकदम इमोशनल हो जाओगे। तो जिस फ्री फायर को आप लोग खेलते वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले हमारा गेम पे टू विन नहीं था, गेम के अंदर कोई भी गन स्किन नहीं था, कोई भी कैरेक्टर के स्किल नहीं थे, और ना ही पहले हम लोगों को गेम खेलना आता था। और पहले जब हम लोग मैच स्टार्ट करते थे हम लोग कोई सी भी गन उठा लिया करते थे, उस टाइम हमें गन स्किन की टेंशन ही नहीं थी। हम लोग ऐसी मैच के अंदर उतरते थे, कोई सी भी गन उठा लिया करते थे। मुझे आज भी याद है, मैं एक हाथ में AK उठा लिया करता था और दूसरे हाथ में स्कार उठा लिया करता था। यार पहले हमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के बारे में तो कुछ पता नहीं था, इसी वजह से मैं शॉटगन और MP40 को बेकार समझता था। मैं सोचता था यार इसमें तो स्कोप लगता ही नहीं है, और दिन भर मैं ये सोचता रहता था कैसे भी करके बस मैं MP40 में स्कोप लगा दूं। और पहले हमारे गेम के अंदर हिप हॉप बंडल, क्रिमिनल बंडल, ये सब तो रेयर होते ही नहीं थे। पहले हमारे गेम के अंदर सिर्फ दो ही रेयर बंडल थे, एक तो जोकर बंडल और दूसरा स्कलमास बंडल। अगर धोखे से भी हमारे गेम के अंदर जोकर या फिर स्कलमास बंडल वाला बंदा आ जाया करता था, उसको देखकर हम लोग इतना ज्यादा डर जाया करते थे। और चाहे उसकी सिर्फ 10 HP क्यों ना बची हो, लेकिन तब भी हम लोग उसके ऊपर फायर ही नहीं करते थे। हम लोग सोचते थे अगर हम लोगों ने उसके ऊपर फायर करा तो वो तो हमें एकदम ही मार देगा, वो तो सबसे बड़ा प्रो है। उस टाइम के फ्री फायर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि उस टाइम हमारे गेम के अंदर कोई भी कस्टम नहीं था, जिस वजह से सारे बंदे स्क्वाड बनाकर गेम खेलते थे और गेम में मजे करते थे। लेकिन जब से गेम में कस्टम रूम आया है तब से यार सभी बंदे एक दूसरे से बेहतर बनने में लगे रहते हैं और एक दूसरे के अपोजिट में खेलते हैं। आप लोग खुद बताओ, आप लोगों ने अपने दोस्त के साथ लास्ट बार रैंक गेम कब खेला था? आप में से बहुत सारे बंदों को तो शायद ये बात याद भी नहीं होगी। यार ये चीज देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। और उस टाइम पे फ्री फायर के हर एक प्लेयर के सिर्फ दो सपने होते थे। पहला तो ये था उसे कैसे भी करके स्कलमास बंडल मिल जाए, और दूसरा कि वो हीरोइक पहुंच जाए। स्कलमास बंडल लेना तो हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी टॉप अप नहीं करता था। और बात रही अगर हीरोइक पहुंचने की, वहां तक पहुंचना हमारे लिए बस इतना आसान था जितना टोटल गेमिंग का फेस रिवील, मतलब एकदम इम्पॉसिबल था। उस टाइम अगर हम लोग फ्री फायर के अंदर बोया कर लिया करते थे तो एक बोया करने पर ही हम लोग इतना ज्यादा खुश हो जाया करते थे, और जब तक अपने दोस्तों को 100-200 बार नहीं बता दिया करते थे तब तक हम लोग रुकते नहीं थे। और उस टाइम पे अगर हमारे ग्रुप के अंदर कोई भी हीरोइक वाला बंदा आ जाया करता था तो हम लोग उसको इतना इज्जत देते थे जितना अभी कोई ग्लोबल वाले फिर ग्रैंड मास्टर वाले तक को नहीं देते। ऐसे गाइस, क्या आपके हिसाब से हमारा पुराना फ्री फायर वापस आना चाहिए? मैं तो यार हमेशा से ये बोलता हूं, गरीना वालों को फ्री फायर मैक्स की जगह फ्री फायर लाइट निकालना चाहिए था, क्योंकि हमारे पहले के फ्री फायर के चाहे ग्राफिक कितने खराब थे, उसमें चाहे कितने बग्स थे, लेकिन यार तब भी वो फ्री फायर हमारे लिए सबसे बेस्ट था। अगर उस टाइम पे आप लोग फ्री फायर को 1 GB रैम के मोबाइल में भी चलाते थे ना तब भी कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। मुझे आज भी याद है जब हमने फ्री फायर को स्टार्टिंग में डाउनलोड करा था तो उस टाइम में मेरा एक दोस्त फ्री फायर खेलता था, उसके मोबाइल में 1 GB रैम तक नहीं था, उसके मोबाइल में थे 512 MB रैम, लेकिन उसके बाद भी उसके फोन में फ्री फायर स्मूथली चलता था। गाइस, क्या आप लोग चाहते हो फ्री फायर का एक ओल्ड वर्जन दोबारा से निकले? आप लोग कमेंट करके बताओ। और उस टाइम पे जैसे हम लोग किसी भी मैच के अंदर जाते थे तो हम लोग जल्दी से कोई भी व्हीकल ढूंढ लिया करते थे, और उस टाइम में हम लोग जीप को सबसे अच्छा व्हीकल मानते थे। हम लोग सोचते थे यार इसके अंदर तो मैं अच्छे से कवर हो गया, आप तो मुझे कहीं से गोलियां लग ही नहीं सकती, क्योंकि जो जीप होता है वो चारों तरफ से कवर होता है, लेकिन हमें कहां पता था इसके आर पार गोलियां चली जाती है। और उसके बाद हम लोग सबसे ज्यादा चलाते थे बाइक को, और ब्लैक कार जो कि सबसे अच्छी होती है उस टाइम हम लोग ब्लैक कार को ही सबसे बुरा मानते थे। हम लोगों को लगता था यार इसके ऊपर से तो कोई भी हेडशॉट मार जाएगा, इस वजह से हम लोग ब्लैक कार को कभी चलाते ही नहीं थे। और यार हम लोग एक चीज को कैसे भूल सकते हैं, जो कि हमारा फैक्ट्री फाइट। तो फ्री फायर के जितने भी पुराने प्लेयर हैं उन सबको ये बात तो पता ही होगी, पहले के टाइम में कम से कम 20 बंदे तो फैक्ट्री पे उतरते ही थे। और उस टाइम यार हम लोग बाउंड्री टोकन लेके नहीं जाते थे, उस टाइम हम लोग लेके जाते थे एयर ड्रॉप। और उस टाइम ज्यादातर बंदों के पास क्ला कैरेक्टर भी नहीं था, जिस वजह से फैक्ट्री के ऊपर फाइट करने में बहुत ही मजा आता था। और उस टाइम हम लोगों का सपना हुआ करता था बस कैसे भी करके यार यहाँ पर लास्ट जोन बन जाए, और अगर कभी एयर ड्रॉप गिर जाया करता था फैक्ट्री ऊपर और अगर उसमें से हमें कोई गन मिल जाया करती थी तो हम लोग इतना ज्यादा खुश हो जाया करते थे, कोई नया प्लेयर तो सोच भी नहीं सकता। और जैसे हम लोग फैक्ट्री से नीचे उतरते थे तो हम लोग इतना ज्यादा डर जाया करते थे, या तो किसी कोने में छुप जाया करते थे या फिर जहां भी मेडिकेट दिखती थी तो उसको सबसे पहले उठाने के लिए भागते थे, क्योंकि उस टाइम पे फैक्ट्री से नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ियां तो थी नहीं, उस टाइम पे हम लोग डायरेक्टली कूदते थे। तो इसी वजह से हमारे सिर्फ 10 HP बचती थी, उस टाइम पे आलोक जैसा कोई कैरेक्टर था नहीं जो कि HP बढ़ा दे। इसी वजह से हम लोग जैसे फैक्ट्री से नीचे कूदते थे और सामने अगर कोई बंदा आ जाया करता था तो ऐसा डर के भागते थे, सामने वाले बंदे के फायर करने से पहले ही गायब हो जाया करते थे। और उस टाइम का गिव अवे कोई कैसे भूल सकता है? अभी आप लोग देखते होंगे फ्री फायर के अंदर बहुत सारे गिव अवे होते हैं, कोई 4,000 डायमंड का तो कोई 5,000 डायमंड का, वो बात अलग है उनमें ज्यादातर फेक होते हैं। लेकिन यार पहले के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, पहले के टाइम में हम लोग इतना ज्यादा वेट करते थे टू साइड गेमर के लाइव स्ट्रीम का, क्योंकि यार पहले सभी बंदे उनके लाइव स्ट्रीम पे खेला करते थे और जो भी फैक्ट्री पे सबसे आखिर तक बचता था तो उसको मिलता था 10 या फिर 20 रुपए का रिडीम कोड। और उस टाइम में हम लोग 20 रुपए के रिडीम कोड में इतना ज्यादा खुश हो जाया करते थे, उस टाइम में गेम के अंदर हर दूसरे 30 दिन में एक एयर ड्रॉप आ जाया करता था। और उस टाइम में हम लोग वेट करा करते थे कब ज्ञान गेमिंग का एक नया वीडियो आएगा, उस टाइम में हम लोग सबसे ज्यादा प्रो मानते थे
ज्ञान गेमिंग को। और बात अगर प्रो की आ रही है तो हम लोग राकेश 007 को कैसे भूल सकते हैं। तो यार उस बंदे की भी हम लोग वीडियो का इतना ज्यादा वेट करते थे क्योंकि वो बंदा हमारे फ्री फायर का सबसे पुराना लेजेंड है। लेकिन यार अफसोस की बात यह है वो बंदा भी गेम को छोड़ चुका है। इसके कुछ टाइम बाद ही फ्री फायर के अंदर एक नया मोड आया था जो कि फ्री फायर के अभी तक हर एक प्लेयर का फेवरेट मोड है, हमारा डेथ अपराइजिंग मोड जिसको बंदे जॉम्बी वाला मोड कहते हैं। उसको खेलने में इतना ज्यादा मजा आता था, उसके अंदर हम लोग जॉम्बी को मारते थे, फिर लास्ट में बड़ा सा जॉम्बी आता था जिसको हम लोग सब साथ में मिलकर मारते थे। और उसी टाइम में फ्री फायर के हर एक प्लेयर का सपना था कि उसे कैसे भी करके एक इलाइट पास मिल जाए क्योंकि फ्री फायर ने खुद पूरा करा था। हम लोगों को रैंपेज वाला इलाइट पास फ्री में देकर, बहुत सारे बंदों को ये बात शायद नहीं पता होगी, हम लोगों को सीजन 13 का इलाइट पास दो बार फ्री में मिला था। फिर सबसे पहले कार्ड फ्लिप वाला इवेंट आया था जिसके अंदर हमें ये इलाइट पास बिल्कुल फ्री में मिला था। और उसके कुछ दिन बाद हमारे गेम के अंदर आया था एक मिस्ट्री शॉप, पहले का मिस्ट्री शॉप मतलब कि 90% डिस्काउंट तो कंफर्म है। उस टाइम पे हर एक बंदे को 90% डिस्काउंट मिलता था, मतलब वो इलाइट पास हमें मिल रहा था सिर्फ 40 डायमंड में। और उस टाइम की सबसे अच्छी बात जो कि मुझे लगती थी वो था हमारा एड वाला सिस्टम। उस टाइम पे आप लोग फ्री फायर में सिर्फ एड देखकर डायमंड ले सकते थे। आप लोग सोच सकते हो पहले गेम के अंदर कितना अच्छा था, डायमंड खरीद लेंगे आपको पैसे नहीं लगेंगे, आप लोग सिर्फ एड देख सकते हो और उसके बदले में आपको डेली के 20-25 डायमंड मिलते थे। और इसी वजह से जितने बंदे उस टाइम पे फ्री फायर खेलते थे सभी ने सीजन 13 का इलाइट पास लिया था। गाइस अगर आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप लोग आगे भी ऐसे मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। उस टाइम पे एक और चीज थी जिसके बारे में सोचिए अभी तक हंसी आती है, फ्री फायर के अंदर जो M79 गन है ये बहुत टाइम पहले से, तो आप लोगों ने भी एक चीज नोटिस करी होगी, इसकी जो एमओ है वो बाकी सब एमओ से बिल्कुल अलग होती है। फ्री फायर के अंदर आपको जितने भी एमओ देखने को मिलते हैं सभी बॉक्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये एमओ हमें बिल्कुल अलग ही मिलता है। तो जब पहली बार मैंने इस एमओ को देखा था तो बहुत टाइम तक मैं समझ ही नहीं पाया था किसी गन की एमओ है, मुझे लगता था ये कोई टॉर्च है, लेकिन फिर उसके बाद मुझे समझ में आया ये कोई टॉर्च थोड़ी है, ये तो एक बल्ब है। लेकिन यार अभी के टाइम में जब ये बात मुझे याद आती है तो यार इतनी हंसी आती है। और कहीं ना कहीं मन में एक ही बात आती है, फ्री फायर के यार वो भी क्या दिन थे। और जितने भी बंदे भी फ्री फायर में न्यू प्लेयर है वो लोग बस यही सोचते रहते कैसे वो फ्री फायर में प्रो बन जाए। यार आप लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप लोग यार फ्री फायर में जब तक एक न्यू प्लेयर हो ना बस तब तक आपको फ्री फायर खेलने में मजा आएगा। जिस भी दिन आप लोग प्रो बन गए फ्री फायर में तो आपको फ्री फायर खेलने का मन भी नहीं करेगा। यार अगर आप लोग भी एक न्यू प्लेयर हो तो यार प्रो बनने को छोड़ो, आप लोग बस गेम को एंजॉय करो। और गेम के अंदर जितनी भी चीजें जैसे आलोक हिप हॉप बंडल गन स्किन और भी बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें बस आपकी वजह से फेमस हुई है। अगर फ्री फायर के प्लेयर गन स्किन यूज करना बंद कर देंगे, टॉप अप कम करेंगे, हमारे गेम से कैरेक्टर के स्किल गन के एट्रीब्यूट या तो रिमूव हो जाएंगे या फिर ये चीज हम लोगों को फ्री में मिलेंगे। तो गाइस अब आपकी मर्जी है, आप लोग बताओ आप लोग क्या चाहते हो, फ्री फायर में से गन स्किन और कैरेक्टर की स्किल रिमूव हो जाए, हमारा गेम फेयर बन जाए चाहे बंदे टॉप अप करें या फिर नहीं, या फिर अभी गेम जैसा है वैसा रहे। और उस टाइम पे फ्री फायर में एक चीज होती थी जो कि आप ऐसे बहुत सारे बंदों को याद भी होगी, फ्री फायर के अंदर पहले जितने बंदे के नाम के पीछे कुछ भी ऐसा डिजाइन होता था या फिर उन लोगों का नाम ओवर स्टाइलिश होता था तो यार हम लोग उन्हें प्रो मान लिया करते थे। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे बंदे से पूछा था स्टाइलिश नेम कैसे बनाते हैं, तो उन लोगों का कहना था फ्री फायर में जब प्रो बनते हैं तब नाम खुद स्टाइलिश हो जाता है। माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद आकर पता चला फ्री फायर के अंदर ये स्टाइलिश नेम है हम लोग सिर्फ एक वेबसाइट से बना सकते हैं। पहले के टाइम में हम लोगों को फुल कंट्रोल और डिफॉल्ट का मतलब भी नहीं पता था, हम लोग सोचते थे अगर हम लोग फुल कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा गन के ऊपर अच्छे से कंट्रोल रहेगा, ना तो गन रिकॉइल होगी और हम लोग सामने वाले बंदे को इजिली मार देंगे। लेकिन यार फुल कंट्रोल करते हम लोग एकदम नूब की तरह खेलने लगते थे और कुछ टाइम बाद सोचते थे ये तो गेम ही खराब है। और आप में से बहुत सारे बंदों को लगता होगा डेजर्ट ईगल हमारे गेम के अंदर अभी आई है, लेकिन ये गन तो हमारे गेम के अंदर 5 साल पहले से, और उस टाइम पे ये गन रैंक गेम के अंदर भी होती थी। और उस टाइम में हमारे गेम की सबसे बेस्ट गन होती थी M4A1 और ग्रोजा। अगर किसी मैच के अंदर हम लोग ग्रोजा मिल जाया करती थी तो हम लोग सोचते थे यार ये मैच तो मैं पक्का जीत लूंगा। यार उस टाइम पे ग्रोजा पूरे गेम की सबसे बेस्ट गन मानी जाती थी। मैं तो यही बोलूंगा हमारा जो पुराना फ्री फायर था वही सबसे बेस्ट था। फ्री फायर को एक लाइट वर्जन भी निकालना चाहिए जो कि 1-2 GB रैम के मोबाइल में आसानी से चल पाए और वो एकदम 2017 वाले फ्री फायर की तरह हो। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग आगे भी ऐसे मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। चलो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।